Hello everyone, so let us discuss our next chapter, body movements. So this is for class 6. Introduction of this chapter. When we walk, जब भी हम walk करते हैं हम अपने legs का use करते हैं कि नहीं move करने के लिए, इसलिए तो chapter का नाम है body movements. और जब कभी कभी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स का पूरे बॉडी हमारी पूरी होल बॉडी मूव करती है. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरीके के बॉडी मूवमेंट्स हैं. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट. दूसरा मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ व्हाट इज दिस स्केलेटन. स्केलेटन के बारे में हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. सो व्हाट इज दिस स्केलेटन. स्केलेटन क्या होता है. द बॉडी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी, बोनी फ्रेमवर्क. जो बोनी फ्रेमवर्क है हमारी पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी के इनसाइड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, उसी को हम स्केलेटन कहते हैं. ह्यूमन बींग्स के अंदर द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी. अगर स्केलेटन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारा स्केलेटन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, हम इसीलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं. और इसी स्केलेटन को हिंदी में हम कंकाल कहते हैं. और अगर हमें देखना है द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, अगर हमारे बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं बोन्स के, अगर उसे देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, एक्सरेज इमेजेस के थ्रू. जैसे हमें कभी कभी चोट वगैरह लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम एक्सरेज कराते हैं कि भाई हमारे किस जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ है, हमारी बॉडी का, हमारे बोन्स में किस बोन्स में प्रॉब्लम है, तो ये सब हम चेक कराते हैं एक्सरेज के थ्रू. ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्केलेटन का. सी ये क्रेनियम हमारा, ये पूरा स्कल है जिसमें हमारे ऊपर वाला क्रेनियम है, ठीक है. ये हमारे रिब्स हैं, ठीक है, हमारे चेस्ट के पास है. ये आप बीच में देख रहे हैं स्टर्नम. ये आपके फॉरलिम्स में, हमारे ये आर्म्स में क्या है, ह्यूमरस बोन है, ठीक है, रेडियस, अल्ना, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बोन्स प्रेजेंट हैं. ये देखिए मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, फीमर बोन जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे लेग में, थाई में, फीमर बोन, टिबिला, फिबुला, ये सारी चीज़ें भी बोन्स प्रेजेंट हैं. बहुत तरीके के बोन्स प्रेजेंट हैं एज यू कैन सी इट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन का फंक्शन क्या है. स्केलेटन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसे आप देख सकते हैं हमारी बॉडी को पूरा होल बॉडी को होल्ड करता है और हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. दूसरा हमारे सारे इट प्रोटेक्ट्स मैनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. दूसरा ये न्यूमरस पॉइंट प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी. नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, उसके अंदर स्कल होता है, बैकबोन होता है, रिब्स होता है, ब्रेस्ट बोन होता है, शोल्डर बोन्स होते हैं, हिप बोन्स होते हैं, आर्म बोन्स होते हैं, लेग बोन्स. इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ स्कल. द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल. जो हमारे हेड का बोनी पार्ट है उसी को हम स्कल कहते हैं. और स्कल का क्या काम है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है. इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड इट प्रोटेक्ट्स मैनी सेंस ऑर्गन. ये जो हमारा स्कल है ये हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, जैसे आईज, ईयर, नोज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ बैकबोन. बैकबोन मतलब पीछे का. ये हमारा लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, हॉलो होता है और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से रन करता है, हमारे नेक से लेके, मतलब हमारे गर्दन से लेके हमारे हिप्स तक, इनसाइड आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये बैकबोन प्रेजेंट होता है. और वो कहाँ से कहाँ लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, हॉलो होता है. और ये कैसे मूव करता है, हमारे नेक से लेके हिप्स तक. और ये हमारे इट सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप. हमारे हेड को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट रिबकेज. रिबकेज आर द कर्व्ड बोन्स इन आवर चेस्ट. ये कर्व्ड बोन्स होते हैं, जैसे आपने देखा था, ऐसे मैंने आपको दिखाया था. ये कर्व्ड बोन्स होते हैं हमारे चेस्ट में. 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, मैंने आपको पहले भी बता रखा है. द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स इज नोन एज रिबकेज. इसी को हम क्या कहते हैं, रिबकेज. और रिबकेज का क्या काम है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जितने भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. कौन, रिब्स. नाउ कमिंग टू शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड। इससे हमारे आर्म्स जो होते हैं शोल्डर बोन्स में अटैच्ड होते हैं। दो तरीके के शोल्डर बोन्स होते हैं, कॉलर बोन्स होते हैं, एक शोल्डर ब्लेड होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हिप बोन। हिप बोन, द हिप बोन फॉर्म्स अ लार्ज बेसन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन टू विच लेग्स आर अटैच्ड। तो हिप बोन से हमारे लेग्स अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट द बोन्स ऑफ द हेड, द बोन्स ऑफ द हैंड। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। हमारे हैंड जो होते हैं तीन पार्ट से बना रहता है। सबसे पहले रिस्ट, रिस्ट आप लोग जानते हैं, पाम। नेक्स्ट फिंगर्स। रिस्ट कंसिस्ट करता है 8 स्मॉल बोन्स। हमारे जो रिस्ट होता है वो 8 स्मॉल बोन्स कंसिस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं कार्पल्स। और पाम ऑफ द हैंड इज कंपोज्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स, उसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू कार्टिलेज। कार्टिलेज भी जो होता है एट सम प्लेसेस इन द स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर ही कुछ प्लेसेस पे एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हार्ड नहीं होता जितना कि बोन्स होता है। ये ईजिली बेंट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कार्टिलेज। ये एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होता है और ये ईजिली बेंट हो पाता है। इट इज़ सॉफ्टर, ये सॉफ्ट होता है, इलास्टिक बोन होता है और ये शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारे नोज़ को। नेक्स्ट ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इमेज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जॉइंट्स किसे कहते हैं? जहाँ पे दो बोन्स मीट करते हैं स्केलेटन में, उसी को हम जॉइंट्स करते हैं। जैसे हम अपने बॉडी के पार्ट्स को, अपने बॉडी को, वी कैन बेंड आवर बॉडी पार्ट्स ओनली एट दोज प्लेसेस, उसी प्लेस पे जहाँ पे दो बोन्स एक साथ जुड़े हुए हैं, हम उसी पार्ट्स को हम बेंड कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं हम उसके बारे में मेन जॉइंट्स जो ह्यूमन बॉडी में हैं उसको पढ़ते हैं। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। Now hinge joints, such bone joints which move like a door on its hinges, जो डोर की तरह मूव करता है हिंग्स में, उसी को हम हिंग जॉइन करते हैं। और हिंग जॉइन हमारे जैसे एल्बो में प्रेजेंट होता है, नी में प्रेजेंट होता है, जॉ में प्रेजेंट होता है, जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है हिंग जॉइंट हमारे एल्बो, नी, इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कमिंग टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आप बॉल खेलते हैं तो अपने शोल्डर का यूज़ करते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है हमारे शोल्डर एंड हिप बोन्स में, हिप जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे थाई बोन में भी प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक एंड जो है बोन का उसके अंदर राउंड शेप होता है लाइक अ बॉल की तरह, वो फिट होता है सॉकेट इन अदर बोन, उसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का ये आप इमेज देख सकते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आवर स्कल एंड नेक। हमारे स्कल और नेक के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसी को हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? द बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली, ये एक टाइप का इमूवेबल जॉइंट होता है। बाकी सारे क्या हैं? मूवेबल जॉइंट था, इसे कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जो कहीं जो मूव नहीं करता एट ऑल, ऐसे जॉइंट्स को कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्कल में। ये हमारे अपर जॉ में भी प्रेजेंट होता है। ये हमारे इमूवेबल जॉइंट्स है। नेक्स्ट मसल्स जो होते हैं, हमारे मसल्स का क्या काम है? हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जब अपने मसल्स से क्या करते हैं, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मसल्स। ये क्या होता है? एक फाइब्रस टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्म्स। जैसे हमारे आर्म्स में दो पार्ट्स होता है, अपर एंड लोअर आर्म्स, जो जॉइंट होते हैं हमारे एल्बो से। जब हम अपने व्हेन वी वांट टू बेंड द आर्म, तो हमारे बाइसेप्स क्या करते हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बाइसेप्स मसल्स को हम फ्लैक्सोर मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे फ्लैक्सेस करता है हमारे आर्म्स को। नेक्स्ट जब व्हेन वी वांट टू स्ट्रेंथन द आर्म्स, जब हम अपने आर्म को बिल्कुल सीधा खोल देते हैं तो हमारे ट्राइसेप्स जो होते हैं मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड करता है हमारे आर्म्स को। नाउ गेट्स ऑफ एनिमल्स। गेट्स ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट वे में मूव करते हैं, तो मूवमेंट्स हम अलग अलग तरीके का देखेंगे एनिमल्स में। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एनिमल्स टू बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम एनिमल्स क्यों मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? ऑब्वियस ही बात है, फूड के लिए और अपने एनिमल्स से बचने के लिए। वो भी क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स जैसे वॉक करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग करते हैं अपने मसल्स को इन देयर लेग्स इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। एवरी एनिमल्स हैव टू पुश समथिंग फॉरवर्ड विथ इट्स बॉडी एंड एबल टू मूव फॉरवर्ड, मतलब एवरी एनिमल्स हैव टू पुश समथिंग बैकवर्ड, मतलब हर एक एनिमल्स जो होते हैं पुश करते हैं कुछ चीज़ों को पीछे की तरफ, जिससे कि उनकी बॉडी जो है आगे की तरफ मूव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अ फिशेस पुशेस ऑन वाटर बैक, जैसे फ़िश जो होते हैं हम लोग देखते हैं फ़िश क्या करते हैं पानी को पीछे करते हैं कि जिससे कि उनके टेल्स जो है विद इट्स टेल टू मूव फॉरवर्ड, जिससे कि वो आगे जा सके। नाउ अब हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है एंड बॉडी जो है कॉकरोच की वो कवर्ड है एक हार्ड एंड टफ कवरिंग, उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो हम कॉकरोच के स्केलेटन को क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये बॉडी के आउटसाइड होता है, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द बॉडी। अब कॉकरोच के अंदर 6 लेग्स होते हैं। द कॉकरोच मूव्स ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग इट्स लेग्स। जो कॉकरोच होते हैं वो ग्राउंड पे कैसे मूव करते हैं, अपने लेग का यूज़ करते हैं। कॉकरोच वॉक करते हैं अपने लेग्स के थ्रू और फ्लाई करते हैं एयर में बाय यूजिंग इट्स विंग्स, अपने विंग्स का यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए, अपना लेग्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। एंड डाउन रैपिडली विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट मसल्स, और नीचे आ जाते हैं अपने फ्लाइट मसल्स को हेल्प से। नेक्स्ट अबाउट बर्ड्स। अब बर्ड्स के बारे में जैसे हमारा क्रो हो गया, पिजन हो गया, हैन हो गया, जक हो गया, और बहुत तरीके के जो बर्ड्स होते हैं। कुछ बर्ड्स वॉक करते हैं ग्राउंड में, कुछ फ्लाई करते हैं एयर में, कुछ बर्ड्स होते हैं पानी में स्विम करते हैं। बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हिंड लिम्स। बर्ड्स फ्लाई कॉन्स्टेंट बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मूवमेंट्स होता है बर्ड्स के अंदर। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग्स द एयर इज़ पुश्ड, जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो एयर को पुश्ड करते हैं डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस एयर पुशेस करते हैं बर्ड्स को ऊपर और फॉरवर्ड एंड मेक्स इट फ्लाई। तो बर्ड्स का मूवमेंट है कि बर्ड्स होते हैं नीचे वॉक भी करते हैं, ठीक है, स्विम भी करते हैं पानी के अंदर, और ऊपर से नीचे आने के लिए अपने विंग्स का यूज़ भी करते हैं, फ्लैपिंग देयर विंग्स। क्लियर, बर्ड्स कैन फ्लाई बाय कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, मतलब हवा जो है उसको फ्लैप करते हुए नीचे आते हैं। जैसे ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ द विंग्स द एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द एयर पुशेस द बर्ड अप एंड फॉरवर्ड एंड मेक्स इट फ्लाई। तो वो ऊपर करते हैं और आगे करते हैं जिससे कि वो फ्लाई कर सके। मूवमेंट्स विदाउट लेग। ऑल द एनिमल्स डू नॉट हैव लेग, सारे के सारे एनिमल्स के पास लेग नहीं होता है। कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने ओनली द मसल्स ऑफ देयर बॉडी मूव फ्रॉम, अपने मसल्स का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स जिसके पास लेग नहीं होता, जैसे अर्थवॉर्म, स्नेल, फिश, स्नेक। नाउ अर्थवॉर्म, एंड अर्थवॉर्म मूव्स by lengthening and shortening of its body alternatively by using the circular muscles and longitudinal muscles। जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके पास लेग्स तो होता नहीं है, तो वो अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और अल्टरनेटिवली ऐसे ही सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का यूज़ करके वो आगे मूव करते हैं। When circular muscles contract, they make a segments of the earth वर्म्स बॉडी लॉन्ग एंड थिन। जैसे वो सर्कुलर मसल्स का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स के वो लंबे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दे मेक द लॉन्ग एंड थिन, पतला सेगमेंट अर्थवॉर्म का, और उससे बॉडी उनकी शॉर्ट और फ्लैट हो जाती है। ये एक डाइग्राम है, ये ब्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। स्नेल्स, इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, ये बहुत धीरे मूव करता है। इसके पास शेल होता है, उसके बैक में उसकी बॉडी जो होती है स्नेल की सॉफ्ट होती है और कंसिस्ट करता है हेड, फुट एंड शेल। द लार्जर पेयर ऑफ द टेंटिकल्स हैज़ अ लिटिल आइज इन दैम, और उसके लार्जर पेयर टेंटिकल्स के अंदर छोटी छोटी आइज होती हैं। द हेड ऑफ द स्नेल हैज़ 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स जिससे वो कैच करते हैं अपने प्रे को। इन डेंजरस कंडीशन द स्नेल विड्रो इट्स हेड एंड फुट इनटू द शेल। तो ये अपने मस्कुलर फुट का यूज़ करके स्नेल्स जो होते हैं आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फिश। फिश कैन मूव इन वाटर बिकॉज इट्स बॉडी इज स्पेशली adopted for this purpose. The fish has streamlined bodies, flexible backbone. Fish has a powerful body muscles. The fish has a fins. A fish swims in water by moving its tail side to side. Next, जैसे आप इमेज देख सकते हैं movements of fish. अपने tail का use करके fishes जो है आगे move करते हैं। Next, snakes. The body of snake is long, cylindrical. The snake has a long, flexible backbone, which makes its body from जो इसकी body को क्या करता है एक place से दूसरे place में move करने में forward आगे जाने में help करता है and moving its body sideways in the form of loops, many loops, बहुत सारे loops के form में वो आगे move करते हैं। Pushing against the ground और ground के against में स्नेक में बनाते हैं स्लीथर ऑन द ग्राउंड। स्नेक जो है स्लीथर बनाते हैं ग्राउंड में जिसके थ्रू बाय लूपिंग साइडवेज, तो उससे स्लीथर बना के वो आगे आगे, जैसे ये देख रहे हैं आप ग्राउंड में स्लीथर बना रहे हैं, उनके नीचे स्लीथर होता है वो ग्राउंड पे ऐसे जिसकी मदद से वो धीरे 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 लूप बनाते हुए, ये देखो जैसे आप देख सकते हो धीरे 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 लूप फॉर्म करते हैं और आगे आगे मूव करते हैं। सी स्नेक्स स्लीथर ऑन द ग्राउंड बाय फॉर्मिंग अ लूप साइडवेज विच पुश देम फॉरवर्ड, जिससे कि वो आगे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।